शनिवार को दोपहर 2 बजे ट्रक के पिछले पहियों के नीचे साइकिल रिक्शा सवार आने से उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना के बाद फिर एक बार रास्ते पर अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया है। दोपहर 2 बजे का समय ट्रक के पिछले पहियों के नीचे साइकिल रिक्शा सवार आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद फिर एक बार रास्ते पर अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया था। मृतक का नाम पंकज हरीश पिल्लेवान है। खापरकेड़ा कामठी मार्ग पर बिना जोड़ पर पिछले 4 साल से मृतक उसकी पत्नी लक्ष्मी तथा 2 बेटियां और 1 बेटे के साथ रहता था। गली गली घूमकर कबाड़ का सामान खरीदकर कबाड़ी को बेचने का काम पंकज करता था। यह घटना होटल एम्बेसी के समीप घटित हुई। घटना के बाद पंकज की पत्नी घटनास्थल पहुंची। पति पंकज का शव देखकर बहुत रोने लगी। वहां मौजूद एक सब्जी विक्रेता चाची ने लक्ष्मी को संभाला। इस घटना को लेकर अब एक बार फिर लोगों में रोष पनप रहा है। रोड पर अतिक्रमण कर सब्जी भाजी मटन चिकन कपड़े फल पान ठेला जैसे दुकानें लगाए जाने से मार्ग में बाधा उत्पन्न होने से अभी तक पिछले 15 सालों में 20 लोगों की दर्दनाक मौतें हुई है। इनमें 2 साल का बच्चा 8वीं कक्षा की छात्र टीचर इनके अलावा युवक युवती और वृद्ध लोग शिकार हो चुके हैं। रोड पर अतिक्रमण के वजह से हुई मौतों के पश्चात भड़की हुई भीड़ ने एक ट्रक को जलाया था। DYSP पर पत्थरबाजी भी की गई थी। पुलिस स्टेशन में घुसकर टेबल तोड़ने का प्रयास भी हुआ था। इतना सब होने के बावजूद अभी तक मार्ग का अतिक्रमण नहीं हट पाया। खापरखेड़ा पुलिस बार बार अतिक्रमण धारकों को सूचित करके छोड़ देती है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रही है। लोगों के अनुसार रोड पर दुकानें लगने वाले दुकानदारों को रोड पर दुकानें लगाने की मनाही कुछ लोगों ने की है। ग्राम पंचायत और पुलिस ने भी कार्रवाई की, लेकिन दुकानदार जबरन रास्ते पर ही दुकान लगा देते हैं। स्थानिक लोगों के टोकने पर उन्हें गाली गलौज करने से भी बाज नहीं आते। बाइट पिछले 2 सालों से मार्ग पर लगने वाला बाजार चिचोली में शिफ्ट किया गया है। जिला परिषद से मंजूरी मिलने के बाद बाजार का लीलाव किया गया। चिचोली बाजार में 200 दुकानें लग रही हैं, लेकिन 300 दुकानें खापरखेड़ा से अन्नमोड़ लगभग 900 मीटर के अंतर में रोजाना खापरखेड़ा मुख्य मार्ग पर लग रही हैं। इन दुकानों के चलते मार्ग संकरा पड़ जाता है। इसी के चलते रोजाना छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी तक 20 लोग इन दुकानों के अड़ल रवैये के चलते जान गंवा चुके हैं। इन पर ठोस कार्यवाही न की गई फिर से किसी एक की जान जा सकती है। लक्ष देणार आहे यायला जागा मिळाली आहे ना तिकडे मग पुन्हा तुम्ही इथंच बोलतात आमचीच जागा आहे मी खरीदून घेतली का यांनी जागा मग काय ही चौथी आली चालू आहे नेहमीच आहे मला हे समजते वाहतूक आता तुम्ही सांगा ट्रक चालला तर ट्रकच्या बाजूने गाडी चालली आहे तो ट्रक याच्या भाजीपालेवाल्याच्या बाजूने जाणार अंगावून जाणार आहे का रोंडून जाणार आहे तुम्ही एवढं सांगा आता उद्यापासून जर भाजीपालेवाले मला दिसले कमीच तोडणार आहे भूमिका काय राहील तेच राहणार आहे माझी मी पहिले अल्टिमेशन देते पोलिसवाले काका खूपदा झालं आहे। कैमरा पर्सन मयूर सुतोने के साथ BCN के लिए दिलीप गजभिये और अरुण महाजन की रिपोर्ट।